नमस्कार, मैं अश्वानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। सरकार ने हाल ही में एक नया डाटा प्राइवेसी बिल, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 प्रस्तावित किया है। इस बिल को यूजर्स के पर्सनल डाटा को रेगुलेट करने के लिए तैयार किया गया है। अगर कोई कंपनी किसी यूजर के निजी डाटा का गलत इस्तेमाल करती है तो उस पर 500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वाराणसी एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री वायुसेना के हेलीकॉप्टर से आज BHU पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर ग्राउंड में माह पर्यंत चलने वाले काशी तमिल संगमम का शुभारंभ किया। वह तमिलनाडु से पहुंचे 9 प्रमुख धर्माचार्यों का सम्मान किया, साथ ही तमिलनाडु से आए छात्रों से संवाद किया। PM मोदी आज साउथ इंडियन ड्रेस में दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया। ईटानगर से 25 किलोमीटर दूर डोनी पोलो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी में अहम भूमिका तो निभाएगी, साथ में क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को भी विकसित करेगी। इसके साथ ही अब पूर्वोत्तर भारत में एयरपोर्ट का कुल आंकड़ा 16 हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही PM मोदी ने कहा कि राष्ट्र के लिए उनके साहस और अतुलनीय योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। उत्तर प्रदेश के एक IAS अधिकारी को चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव के सामान्य पर्यवेक्षक के पद से हटा दिया है। गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कड़े शब्दों में लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने कहा कि 2011 बैच के अधिकारी अभिषेक सिंह ने एक सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में अपनी पोस्टिंग साझा करने के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया और अपनी आधिकारिक स्थिति को पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इस्तेमाल किया। बच रहे सड़क नेटवर्क के साथ देश में आपात चिकित्सा व्यवस्था भी अपग्रेड होनी चाहिए। ट्रॉमा सेंटर और आपात चिकित्सा में निपुण डॉक्टरों की संख्या, एम्बुलेंस की संख्या और उनके प्राथमिक चिकित्सा सहायता देने वाले पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती जैसे बिंदुओं पर काफी काम किए जाने की आवश्यकता है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने राज्य के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हवाई अड्डा सभी के लिए फायदेमंद है, खासकर बीमार लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि इससे हमारा समय भी बचेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR क्षेत्र में मौसम एक बार फिर से साफ हो गया है। कुछ दिन पहले दिल्ली NCR के आसमान में बादल छा गए थे, वहीं अब दिन में धूप निकलने से मौसम साफ बना हुआ है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड समेत ऊंचे पहाड़ी वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। आज इंदिरा गांधी की जयंती के 105वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेस के कई नेताओं ने उन्हें सम्मान देते हुए याद किया। भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त होने के बावजूद राहुल गांधी ने समय निकालते हुए अपनी दादी इंदिरा गांधी को उनकी 105वीं जयंती पर नमन किया। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 दो चरणों में होना है, जिसमें पहला चरण 1 दिसंबर और दूसरा चरण 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत राहुल गांधी का पहले चरण के स्टार प्रचारकों के तौर पर नाम शामिल है। पंजाब में हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए 4 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। गृह मंत्रालय ने पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू, गुरप्रीत सिंह कांगड़, पूर्व MLA जगदीप सिंह नकाई और अमरजीत सिंह टिक्का की सुरक्षा बढ़ाई है। गृह मंत्रालय ने इन नेताओं की जान को खतरा होने की संभावना को देखते हुए इन्हें एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी है। अब इन नेताओं को पैरामिलिट्री फोर्स के जवान सुरक्षा देंगे। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के पौत्र रंजीत सावरकर, सांसद राहुल शेवाले और विधायक सदा सरवनकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चौपाल की। इससे पहले रंजीत सावरकर मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस थाने में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की दायर याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल शिवसेना में हुई टूट के बाद उद्धव और शिंदे दोनों गुटों ने शिवसेना पर अपना अपना दावा ठोका था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव निशान को फ्रीज करने का आदेश दिया था। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिल्ली श्रद्धा मर्डर केस पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने दिल्ली की श्रद्धा की हत्या कर शव के 35 टुकड़े करने के मामले पर कहा है कि अगर किसी हिंदू ने यह कृत्य किया होता तो अब तक देश में दंगा हो चुका होता। तिहाड़ जेल में बंद आपके मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज का वीडियो सामने आया है। CCTV वीडियो में एक शख्स जेल के अंदर सत्येंद्र जैन की मालिश करते हुए दिख रहा है। आरोप है कि आपके मंत्री सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल के अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान के दौरान फायरिंग की गई है। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ जो दोपहर 2 बजे तक चला। मतदान से थोड़ी देर पहले पटना कॉलेज के गेट पर 5 से 6 राउंड फायरिंग होने से दहशत फैल गई। फायरिंग का आरोप पटेल छात्रावास में रहने वाले लड़कों पर लग रहा है। वारदात में कुछ छात्र भी घायल हुए हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमने कभी पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया, जिन्ना मेरे पिता से मिलने आए थे लेकिन हमने उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया है। हम इसके लिए खुश हैं क्योंकि पाकिस्तान में लोग आज सशक्त नहीं हैं। और डॉक्टर फारूक जम्मू से करीब 25 किलोमीटर दूर अखनूर में एक फैक्ट्री के उद्घाटन के मौके पर आयोजित सभा में कही। उत्तराखंड में स्थित भगवान बद्री विशाल का धाम बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शनिवार दोपहर बंद हो गए हैं। धाम के कपाट आज दोपहर 3:35 पर शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। अब अगले लगभग 6 महीनों तक भगवान बद्रीनाथ की पूजा पांडुकेश्वर और जोशीमठ में संपन्न होगी। बद्रीनाथ धाम के सिंह द्वार को गेंदे के फूलों से सजाया गया है। सुष्मिता सेन को उनके भाभी चारू असोपा ने भी बर्थडे स्पेशल पोस्ट के साथ विश किया है। 19 नवंबर 1975 को जन्मे सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन और चारू असोपा भले ही अलग अलग हो रहे हों लेकिन इसमें चारू और सुष्मिता के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा है। चारू असोपा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से सुष्मिता सेन संग अपनी 2 तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें ननद भाभी के बीच की जबरदस्त बॉन्डिंग दिख रही है। संजीव कपूर ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा कि किसी को निकाला नहीं जा रहा है। बता दें कि एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि जेट एयरवेज के मौजूदा कर्मचारियों में से 60% वरिष्ठ प्रबंधन सहित 3 महीने के लिए बिना वेतन के अवैतनिक अवकाश पर भेजे जा रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत 20 नवंबर से कतर में हो रही है। इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सभी टीमों के 4-4 के 8 पूल में बांटा गया है। ग्रुप स्टेज के बाद राउंड ऑफ 16, फिर क्वार्टर फाइनल, उसके बाद सेमीफाइनल और 18 दिसंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप का यह 22वां संस्करण है जिसमें तकरीबन 3.6 हजार करोड़ रुपये की कुल प्राइज मनी बांटी जाएगी। अजय देवगन और तब्बू स्टारर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दृश्यम 2 ने सिनेमाघरों में रिलीज होते ही धमाल मचाना शुरू कर दिया है। अजय देवगन तब्बू के अलावा फिल्म दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना की भी एंट्री हुई है जिनके पुलिस अफसर वाले किरदार को दर्शकों ने काफी पसंद किया है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 18 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म ने ओपनिंग डे पर 15 करोड़ की कमाई की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सत्येंद्र जैन रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी और यहां तक कि उनकी 2 सर्जरी भी हुई है। चिकित्सकों ने अस्पताल से छुट्टी दिए जाने के बाद उन्हें फिजियोथेरेपी की सलाह दी थी। भाजपा ने जो वीडियो लीक किया है उन वीडियो में वह फिजियोथेरेपी कराते दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए बताया कि संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर 2022 से शुरू होगा और 29 दिसंबर तक चलेगा जिसमें 23 दिनों में 17 बैठकें आयोजित की जाएंगी। देश में जब जब परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी के छापे की चर्चा होती है तो नकदी और सोना चांदी की बरामदगी की खबर आती है। सरकार ने इसी एजेंसी के डायरेक्टर एस के मिश्रा का कार्यकाल 3rd बार बढ़ाया है। 60 साल के संजय कुमार मिश्रा अब नवंबर 2023 तक पद पर रह सकेंगे। अनधिकृत आवासीय निर्माण के नियमितकरण के लिए योजना 2022 का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने योजना को सहमति दे दी है। योजना के तहत 31 दिसंबर 2019 के पहले निर्मित आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का नियमितकरण और हो सकेगा इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1 महीने तक सुझाव और फीडबैक भी मांगे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में महीने भर चलने वाले काशी तमिल संगमम का आज उद्घाटन किया। काशी तमिल संगमम का आयोजन 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक वाराणसी में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन ज्ञान केंद्र तमिलनाडु एवं काशी के बीच सदियों पुरानी कड़ियों को फिर से तलाशना और उनका उत्सव मनाना है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने स्टफ को एनजेड से कहा कि वह यानी सूर्य बिल्कुल अविश्वसनीय है। वह जो चीज़ें करता है मैं उसे करने का सपना भी नहीं देख सकता हूं। मुझे कोशिश करना अच्छा लगेगा लेकिन मेरा खेल उससे काफ़ी अलग है। कलाई की ताकत से छक्का लगाने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। उसके जैसी प्रतिभा को आप शायद ही देखेंगे। मिशन स्वच्छता और पानी टेलीथॉन में हिस्सा लेते हुए अभिनेत्री दिया मिर्जा ने कहा कि हमारे समाज में एक सवाल यह भी है कि शौचालय की सफाई कौन करेगा। भारत में इसे एक जाति का विषय माना जाता है। ईडी ने विजय नायर और अभिषेक बोयिनपल्ली की 9 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। बता दें कि विजय नायर और अभिषेक बोयिनपल्ली की 5 दिन की ईडी रिमांड खत्म होने के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया था जिसके बाद कोर्ट ने दोनों की रिमांड 5 दिनों के लिए बढ़ा दी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है श्रीकांत कुमार, ओमकार सिंह, राजकुमार प्रसाद, जितेंद्र ठाकुर, बालाजी, साक्षी कुमारी और मोहम्मद नौशाद रजा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके तरफ मौसम का मिजाज कैसा है। अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।